आज हम बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट लेके आ रहे हैं। ये हम चावल से बना रहे हैं। अक्सर चावल बच जाते हैं, थोड़े से एक कटोरी लगभग बच ही जाते हैं, तो एक कटोरी चावल से ये हम बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट लेके आ रहे हैं। और बहुत टेस्टी लगते हैं ये और काफ़ी हेल्दी भी है। तो ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो भी वीडियो लाएँ अब तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो अपनी फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक कटोरी के लगभग मेरा ये चावल बच गया था, तो फेंकना अच्छा नहीं लगता है, तो इन्हें हम इसी से हम बनाएंगे। इसे हम ग्राइंडर में डाल देते हैं, उसके बाद हम ये आधा कप के लगभग हम बेसन डाल देंगे, इसे काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। अब उसी में हम कर्ड डाल देंगे, दही दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, अच्छा लगता है। अभी दो मिर्ची है और थोड़ा सा अदरक है, इन्हें भी हम डाल देंगे इसी ग्राइंडर में, जिससे अच्छे से पीस जाएंगे। इसे स्मूथ बिल्कुल पेस्ट हमें बनाना है, इसमें उतना पानी डालिए जिससे अच्छे से पीस सके, ग्राइंड हो सके ये। अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। देखिए हमने पेस्ट इन्हें बना लिया, काफ़ी स्मूथ बन गया है ये, कितने अच्छे भी लग रहे हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे, देखिए काफ़ी भी ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम एक कप लगभग सूजी डाल देते हैं, मोटा पतला कोई भी हो आप डाल सकती हैं। अब थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, इन्हें मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक चम्मच के लगभग चीनी डाल देते हैं और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे से। अब इन्हें 15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएंगे ये। अब तब तक हम एक एक केक टिन है, कोई भी बर्तन ले सकते, थाली ले सकते, थोड़ा सा उसका किनारा उठा होना चाहिए। अब इसमें अच्छे से हम तेल लगा लेंगे, सभी जगह अच्छे से तेल लगा लेंगे हम ऑयल। अब देखिए ये 15 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी अच्छे से देखिए फूल चुके हैं ये। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे थोड़ा सा, ये देखिए ना थोड़ा सा हमने डाल दिया है। अब थोड़ा सा उसी पर हम पानी डाल देते हैं, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे हम। काफ़ी बबल्स देखिए आने लगे हैं, तो ये देखिए कितने बबल्स हैं, बिल्कुल तो बहुत अच्छे से हो चुके हैं ये। अब इस टिन में हम डाल देंगे, केक टिन में ऑयल बहुत अच्छे से लगा रहना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छे से आराम से ये निकल जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से बबल, देखिए पास में से दिखा रहे हैं आपको कितने से अच्छे से हो चुके हैं। अब हमने एक बड़ा कढ़ाई लिया है, उसमें इस तरह से हमने स्टैंड रख लिया है, और इसके ऊपर हम इस तरह से इन्हें रख देंगे। अब इन्हें 15 से 20 मिनट तक हम इन्हें ढक के बिल्कुल रखे रहेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे हम। देखिए खोल के एक बार देख लेते हैं हम, देखिए ये काफ़ी अच्छे से ही हो चुके हैं। एक बार पिन से हम देख लेते हैं, इन्हें ट्राई कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल नहीं निकले ये, मतलब बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं ये। इन्हें हम निकाल लेते हैं, ये ठंडा हो जाए फिर इन्हें हम निकालेंगे, क्योंकि अगर गर्म रहते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो इसे देखिए काफ़ी ठंडा हो चुका है अच्छे से, देखिए किस तरह से इन्हें हम निकाल लेंगे इस तरह से, पलट लेते हैं इन्हें हम इस तरह, टप टप कर देंगे तो आराम से ये निकल जाते हैं। कितने देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, काफ़ी स्पंजी हो चुके हैं। अब इन्हें हम कट कर लेंगे, काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये, और बच्चे एक बार बहुत पसंद से खाएंगे ये, सभी लोग बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह से बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आता है।
आप कोई भी शेप में काट सकती हैं। इस तरह से ने छोटे छोटे पीसों में हमने काट लिया है। ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर शेप में हमने इस तरह से काटा हुआ है। देखिए कितने अच्छे से ये हो चुके हैं। अब हम पैन में थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग हम तेल डाल देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर थोड़ा सा हम राई डाल देंगे। अब जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा। जैसे तड़क जा रहे हैं अब इसके बाद हम डाल देंगे सफ़ेद तिल। 1 चम्मच इन्हें डाल दें। इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। ये काफ़ी अच्छे से हो जाए तड़क जाए बिल्कुल। अब इसमें हम करी पत्ता डाल देते हैं। थोड़ा सा और तीखा चटपटा बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमें। अच्छे से कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है और चटपटा भी लगता है। तो अब देखिए तेल अच्छे से हो चुके हैं। अब इसके ऊपर इस तरह के इन्हें रख देंगे हम। इन्हें हम दोनों साइड से हमें सेकना है। पलट पलट के हमें चारों तरफ से इन्हें सेक लेना है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और बहुत इजी, बहुत आराम से इसे बना सकती हैं घर पे। ये देखिए दोनों साइड से इन्हें हम सेक ले रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए सेक चुके हैं। इस तरह से पलट पलट के हमें चारों तरफ से इन्हें सेक लेना है। इसे हरी चटनी के साथ सर्व करिए, बहुत पसंद आएगा आपको। ये काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं, इन्हें निकाल लिया हमने। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और खाने में उतने ही काफ़ी टेस्टी होते हैं। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये तोड़ के दिखाते हैं आपको एक बार। ये देखिए बिल्कुल तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसे हरी चटनी के साथ सर्व करिए। बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे, सभी बहुत पसंद से खाएंगे। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।